गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज हम टिक द करेक्ट आंसर करेंगे चैप्टर नंबर 8 के। ओके, आवर चैप्टर नंबर 8, ए हाउस टू लिव इन के टिक द करेक्ट आंसर करेंगे, जो कि क्विक रिवीजन में दिए हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम, लेट्स सी टिक द करेक्ट आंसर। वी टेक बाथ इन द बेडरूम या बाथरूम, वी टेक बाथ इन द बेडरूम और बाथरूम। तो हम नहाते हैं, बेडरूम में नहाते हैं या बाथरूम में नहाते हैं, बाथरूम। ओके, तो टेक दिस ऑप्शन। ओके, टेक दिस ऑप्शन। सेकंड देखिए बच्चा, ए हट या बंगलो इज ए पक्का हाउस। पक्का हाउस कौन सा होता है, एक हट होती है या एक बंगलो होता है पक्का हाउस, एक झोपड़ी होती है या एक बड़ा सा घर होता है बंगलो होता है पक्का हाउस। ठीक है, तो बताइए हट होती है या बंगलो होता है। यस, ए पक्का हाउस इज ए बंगलो। तो हम किस पे टिक करेंगे, बंगलो पे टिक करेंगे। ओके, थर्ड देखिए बच्चा, ए हाउस बोट एंड कारवान, ए हाउस बोट एंड कारवान इज ए फ्लोटिंग हाउस, इज ए फ्लोटिंग हाउस। अब देखिए बच्चा, व्हाट इज द मीन बाय फ्लोटिंग हाउस, फ्लोटिंग हाउस का मीन्स होता है पानी में, वाटर में जो तैरता हुआ घर होता है, जो कि बोट के ऊपर बना होता है, उसे फ्लोटिंग हाउस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे किसको बोलते हैं फ्लोटिंग हाउस, हाउस बोट को या कारवांस को। तो इसको बोलेंगे हम हाउस बोट, बिकॉज ये जो हाउसेस होते हैं ये बोट के ऊपर बने हुए होते हैं और वाटर में तैरते रहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। फोर्थ देखिए बच्चा, एन इग्लू इज मेड अप ऑफ वुड या स्नो। अब देखिए बच्चा, हमने रीड किया था कि इग्लू जो होता है किसका घर होता है, बर्फ का घर। ठीक है, तो एन इग्लू इज मेड अप ऑफ, इग्लू किसके बने हुए होते हैं, वुड, वुड यानी लकड़ी, एंड स्नो, स्नो यानी बर्फ। तो किसके बने होते हैं, वुड के। यस, वुड के बने होते हैं, नो ठीक है, तो किसके बने हुए होते हैं, टेल मी। यस, स्नो के बने हुए होते हैं, स्नो यानी बर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम टिक किसको टिक करेंगे, एन इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो, तो हम स्नो ऑप्शन को टिक करेंगे। ओके, अब देखिए, द कैरेट हाउस इज द नैरोवेस्ट। ठीक है, द कैरेट हाउस इज द नैरोवेस्ट हाउस इन द वर्ल्ड, दिस हाउस इज मेड बिटवीन टू बिल्डिंग्स। जो कैरेट हाउस है वो सबसे पतला, सबसे थिन हाउस है, सबसे पतला हाउस है वर्ल्ड का, और ये कहाँ पे है, दिस हाउस इज मेड बिटवीन टू बिल्डिंग, ये दो बिल्डिंग्स के बीच में बना हुआ हाउस है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, गुड बाय।